कश्मीर घाटी का सवाल है, वहाँ पर स्थिति में सुधार हुआ है और लगातार होते जा रहे हैं। अब देखिए, जब से आर्टिकल 370 को घाटी से हटाया गया है, कश्मीर से हटाया गया है, जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से वहाँ पे शांति है। हाँ, कुछ हद तक वहाँ की जो आवाम है उनको कुछ तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने वहाँ पे सेनाएं तैनात करी हैं। सुरक्षा बल जो वहाँ पे तैनात हुए हैं, उनका असली मकसद है कि वहाँ की आवाम को किसी तरह की तकलीफ ना। तकलीफ से मैं कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी गतिविधियाँ जो वहाँ पे लगातार 30 साल से चलती आ रही हैं, उसका हम खात्मा करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की गतिविधियों से आम आवाम का जो जनजीवन है उस पर काफ़ी हद तक उनको मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं उन पर सही तरीके से उन्हें मुहैया नहीं कराई जा सकती। तो इस वक्त जो सुरक्षा बल वहाँ तैनात हैं, वो आवाम की सुरक्षा के लिए है। अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर खबर आ रही है कि वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे आम कार्रवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन आप देखिए कि अगर घर में लोग बंद हैं, कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो उनका दिनचर्या कैसे चलता है? उन्होंने पहले से खाना वगैरह स्टॉकिंग तो नहीं किया होगा, लोग घर से निकल रहे होंगे अपनी आम ज़रूरत की जो सामान है उसकी ख़रीदारी करने के लिए। ये ख़रीदारी कैसी हो रही है? अगर दुकानें बंद है तो ये ख़रीदारी नहीं हो सकती। हाँ, मैं मानता हूँ कि दुकानदार दुकानें जो हैं उनके सामने के शटर बंद हैं। सामने के शटर बंद क्यों हैं? क्योंकि आतंकवाद जो है, आतंकवादी जो है, वो शटर खोले नहीं गए, तो पीछे से सब कार्रवाई चल रही है। और इसी कारण से जो आम जनता है, उनके घर में सब कुछ सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही है। आप देखिए, वहाँ पर सेब के बगीचों में फल को तोड़ा जा रहा है, उनको पेटियों में पैक किया जा रहा है और उन्हें वहाँ से कश्मीर घाटी से बाहर निकाला जा रहा है। अगर वहाँ पे बिल्कुल अगर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, तो ये फल कौन तोड़ रहा है, पेटियाँ कौन बांध रहा है, ये ट्रक कैसे लोड हो रहे हैं? आप अगर कश्मीर में जाएंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो ईंट के भट्टे हैं, ईंट के भट्टों में ज्वाला जल रही है, ऊपर से धुआं निकल रहा है, तो इनमें चिंगारी कौन दे रहे हैं, इनमें लकड़ी कौन दे रहा है, इनमें आग कौन जला रहा है, ईंट कौन बना रहा है, और ये ईंट बन के फिर जा कहाँ रहे हैं? आप अगर झेलम नदी में देखेंगे, वहाँ देखेंगे जो बोट वगैरह हैं, नाव है, उसमें शिकारा वाले जो हैं, नाव वाले जो हैं, वो लगातार रेत निकाल रहे हैं। ये अगर रेत निकाल रहे हैं तो रेत निकालने वाले लोग कौन हैं? आम जनता ही है, कोई बाहर से आदमी तो नहीं है। रेत निकल के ट्रक में लोड हो रहा है, ट्रक में लोड होकर वो कहीं तो पहुँच रहा है, तो कहाँ पहुँच रहा है? जहाँ कार्रवाई हो रही है, घर बन रहे हैं। तो ये कह देना कि बिल्कुल कर्फ्यू में लोग अंदर बंद हो चुके हैं, ये नहीं। हाँ, ये हम जानते हैं कि हमने कुछ हद तक वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसलिए लगी है कि टेररिस्ट को फ्री मूवमेंट आना। सर, तो बात मैं यही बोलूँगा कि लगातार